नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, जिससे सूर्य की दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है। इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में रहेगा। ये सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण मेष राशि में 19 साल बाद लगने जा रहा है। साथ ही ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड होगा, क्योंकि ये तीनों रूपों में दिखेगा। इनमें आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण शामिल होंगे। 20 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण दक्षिणी प्रशांत महासागर के देशों जैसे चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समोआ, सोलोमन, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार ये सूर्य ग्रहण इन देशों में सुबह 7:05 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में लगेगा, जो कि केतु का नक्षत्र है। बता दें कि सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है जिसे आंखों से नहीं देखा जाता। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी समेत कई ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और वो पृथ्वी की कक्षा में ही परिक्रमा करता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंचता, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस ग्रहण की अवधि 5:24 की होगी। इस सूर्य ग्रहण के 2 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।